सिंधवा शहर पुलिस विभाग द्वारा नौकरी का झांसा देकर रुपए ऐंठने वाली पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 420 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया, पूर्व में भी शिकायत प्राप्त हुई थी। बड़वानी जिले के सिंधवा शहर थाना क्षेत्र में नौकरी देने का झांसा देकर रुपए रखने वाले पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस शहर थाना प्रभारी राजेश यादव से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस थाने पर फरियादी दिनेश पिता रामजाट रावत उम्र 19 साल निवासी केरमला थाना बरला द्वारा थाने पर आकर रिपोर्ट किया कि रीता उर्फ राहत पति रईस शेख तथा रईस शेख निवासी टैगोर बेड़ी द्वारा फरियादी को नौकरी दिलाने के नाम से 1,40,000 रुपये ऐंठ लिए थे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना सिंधवा शहर पर अपराध क्रमांक 376/22 धारा 434 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी राजेश यादव ने मामले को गंभीरता से लेकर जिला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरडी प्रजापति के मार्गदर्शन में टीम गठित कर आरोपी रीता उर्फ राहत शेख एवं रईस शेख की गिरफ्तारी हेतु टीम को तकनीकी आधार पर कार्रवाई करते हुए बड़वानी से पकड़ा गया और उक्त आरोपी गणों द्वारा बताया गया कि लोगों को झूठ बोलकर स्वास्थ्य विभाग एवं गार्ड की नौकरी दिलाने का झांसा देकर रुपए ऐंठ लेते थे। उक्त आरोपी दिव्यांग भी है और आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में भी झूठ बोलकर नौकरी दिलाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, परंतु फरियादी द्वारा समझौता करने से उक्त आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकी। बाद उक्त आरोपी गणों से मार्कशीट एवं अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। कार्यवाही के दौरान सिंधवा शहर थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश यादव, सहायक उप निरीक्षक सतीश पवार, प्रधान आरक्षक उमा शंकर, महिला आरक्षक संगीता ललिता एवं आरक्षक मुन्ना लाल एवं समस्त थाना स्टाफ की विशेष भूमिका रही है। उल्लेखनीय है कि सिंधवा शहर थाना प्रभारी द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में गुंडे बदमाशों के विरुद्ध अभियान चलाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। थाना प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि अवैध गतिविधियों एवं अवैध कार्यों के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी है। सर, धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या मामला है? यह कुछ दिन पूर्व दिनेश रावत निवासी वरला, इन्होंने थाना आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि राहत रीता उर्फ राज शेख और रईस शेख, ये दोनों टेबल बेड़ी के रहने वाले हैं। इन्होंने जो है दिनेश रावत से 1,40,000 रुपये स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी लगाने के नाम से लिए थे। उस पर से पूरी जांच की गई और जांच के बाद रीता उर्फ राज शेख और रईस शेख इनके द्वारा दिनेश रावत के साथ धोखाधड़ी का मामला पाया गया, जो इन दोनों ही आरोपी के खिलाफ धारा 420 की अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसके बाद एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला के सर के निर्देशन में एक टीम बनी थी, टीम ने लगातार इनकी पतराशी की और फिर दोनों ही आरोपी को पुलिस कस्टडी में भी लिया है और इसके बाद इनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। इनके द्वारा पूर्व में भी कुछ मामलों में इसी प्रकार की घटनाएं कारित की गई, तो उस संबंध में पूछा जा रहा है। आरपी टीवी न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही आरपी टीवी की न्यूज की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।